एवरीवन, दिस इज निष्ठा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के बारे में पूछा था, क्योंकि एसएससीबीएस में एक और कोर्स होता है। जनरली लोगों को सिर्फ बीएमएस बीबीएफआईए पता होता है, बट वी हैव अ कोर्स बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एज वेल। एंड वो कैसे चलता है, क्या करना चाहिए या नहीं, कैसे वो कन्वेंशनल बीटेक कोर्सेज से कंपेयर होता है, उन सब के लिए वी हैव वैभव हियर। हाय वैभव, थैंक यू फॉर कमिंग इन। एंड वैभव इज अ सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट एट सुखदेव, and he'll be sharing his experience and थोड़ा बहुत जो आपके doubts वगैरह है related to कोर्स कैसा है, करना चाहिए या नहीं, तो वो आज वैभव अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। होपफुली आपको नया पर्स्पेक्टिव मिलेगा। तो स्टार्टिंग कि बीएससी करने का पहले से मन था या फिर सुखदेव की वजह से आए हो? मैंने जेई मेंस दिया था एंड आई वॉज गेटिंग गुड आईएनआईटीज, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करना मेरे को स्टार्टिंग में। सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस होता है, मेरा ये था कि आई वॉज गेटिंग गुड कॉलेज इन डीयू एंड इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसमें, सो आई प्रेफर्ड सीबीएस। एंड सीबीएस आने का एक और मकसद था, ये एक बिजनेस स्कूल है, वी वुड गेट टू इंटरेक्ट विद बी स्कूल पर्सन्स, तो ये भी एक बेनिफिट था यहाँ पे आने का। राइट। तो यूएसपी कह सकते हैं हम सुखदेव की, कि यहाँ बिजनेस के भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे बीएमएस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं बीबीएफआईए वाले, और बीएससी वाले भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आपको जो टीम बनाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए वो आपको अब कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस जो स्पेशलाइज कोर्सेज देते हैं। काफ़ी डाइवर्सिटी वाले कॉलेजेस तो ऑब्वियसली बेटर होते हैं, बट जो कोर्सेज स्पेसिफिकली कॉमर्स या ऐसे कोर्सेज पे फोकस्ड होते हैं, वहाँ इतना नया पर्सपेक्टिव या इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिल पाती। लाइक आई ऑल्सो गॉट टू नो कि यहाँ पे बीएफआई एंड बीएमएस कोर्सेज के लिए बच्चे आते हैं, एंड ये भी मैंने सुना था कि आई एम इंदौर, आई एम रोहतक भी लीव करके आते हैं। सो लाइक आई वॉज स्टार्टअप एंथुसियास्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड आई गॉट टू नो लाइक मेरे पास टेक स्किल्स होंगी एंड मिक्सिंग विद इट अदर स्किल्स लाइक फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ऑल, यू कैन बिल्ड अ गुड स्टार्टअप। सो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, जिससे कि आप सीख सकते हो एंड ये अपनी स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। और जब हम कॉलेज में भी अपने पीयर्स से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि सभी कोडिंग वोडिंग की बात कर रहे हैं, फिर सभी मैंग फैंग इन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम कॉमर्स कॉलेजेस में जाते हैं तो सब एमबीबी बिग फोर इन सब की बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ जब आप इंटरेक्ट करोगे तो मैंग फैंग वाले भी होंगे, एमबीबी वाले भी होंगे, तो दोनों को एक दूसरे के एक्सपोजर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जैसा वैभव ने कहा कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स से आप अचीव कर सकते हो। तो वैभव, कंपेयरिंग इट विद बीटेक का कोर्स, जो आपका कोर्स करिकुलम है अभी, तो हाउ डज इट कंपेयर विद द कन्वेंशनल बीटेक का कोर्स? कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, या कैसे चलती है चीज़ें? सेम डाउट तो मेरे को भी, जब मैं ये कॉलेज मतलब ऑप्ट करने वाला था, आई थॉट कि बीएससी टर्मिनल कोर्स नहीं होता है, एंड मेनी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज। तो देन आई रिसर्च अबाउट इट, मैंने देखा कि बीटेक एंड बीएससी सीएस जो ये कॉलेज ऑफर कर रहा है सब्जेक्ट्स, बहुत ओवरलैपिंग थे। वी वर टॉट सब्जेक्ट्स दैट विल मेक यू जॉब रेडी, ऑल्सो लाइक यू हैव टू डू अदर डिफरेंट थिंग्स लाइक कोर्सेज करने पड़ेंगे, ऑल्सो स्किल्स अपने सीखने पड़ेंगे बाय डूइंग लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्पिटेटिव कोडिंग एंड ऑल, इफ यू वॉन्ट टू गो एंड परस्यू अ टेक फील्ड। बट ऐसा नहीं होता, जैसे इफ यू आर डूइंग सीएस, इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और फील्ड में नहीं सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, लाइक आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, मार्केटिंग भी देख सकते हो, एंड इफ यू वांट लाइक टेक गुड प्लेसमेंट्स हियर आल्सो। ठीक है, तो जनरल ओवरव्यू देने के लिए कैन यू नेम फ्यू लैंग्वेजेस या जो कोर्स में ऐसे हाइलाइट्स की, अगर इफ अ पर्सन इज लुकिंग टू लर्न दीज एक्स वाई जी थिंग्स देन बीएससी में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बीटेक बीएससी में ओवरलैपिंग थी? हाँ, सी बीटेक 4 साल का होता है एंड दैट वन ईयर इन द इनिशियल वन ईयर उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, देन यू गेट टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम द सेकंड ईयर। बीएससी में फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव C++, सेकंड सेमेस्टर वी हैव जावा, थर्ड पाइथन, एंड देन दिस लिस्ट गो ऑन, वी यू आर टॉट आर ऑल्सो, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग एंड अदर स्टफ्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न। सो ये तो लैंग्वेजेस का हो गया, एंड देन यू आर टॉट सब्जेक्ट्स लाइक प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी बीटेक में सिखाए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है बीएससी सीएस डीयू में एंड बीटेक में, इतना डिफरेंस नहीं है, बट वही एक बात आ जाती है कि बीएससी सीएस इज लिटिल थियोरेटिकल एंड वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाती है बीटेक में। सो ये कौन है यहाँ पर, बाकी तो इट्स ग्रेट इफ यू वॉन्ट टू परस्यू दिस कोर्स, यू कैन बिल्ड अ गुड करियर।
एंड ऑब्वियसली जैसे आईआईटीज एनआईटीज IITs, IITs ये सब होते हैं, इनकी तो प्लेसमेंट्स अलग ही लेवल पे होती हैं क्योंकि सारे ही बच्चे कोडिंग में इंगेज होते हैं, तो फिर उनकी प्लेसमेंट्स भी फैंग मैंग इन कंपनीज में होती है, काफ़ी बड़ा पैकेज लगता है। बट बीइंग इन अ बिजनेस स्कूल जहाँ मेन फोकस जो रिक्रूटर्स का होता है वो बिजनेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स रिक्रूट करना होता है, तो वेरी ऑनेस्टली डू यू थिंक कि यहाँ प्लेसमेंट्स का उतना ग्रेट सिनेरियो है, स्पेसिफिकली इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द टेक फील्ड? ऑब्वियसली मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट वॉट इज योर ओपिनियन ऑन प्लेसमेंट्स फॉर द टेक फील्ड हेयर? सो सी वाइल आई वॉज रिसर्चिंग वाइल ऑप्टिंग दिस कोर्स फॉर एंड दिस कॉलेज आई गॉट टू नो फ्रॉम माई सीनियर्स की CDC द करियर डेवलपमेंट सेल हेयर गिव गुड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ दे स्टार्ट प्रमोटिंग इंटर्नशिप्स where we can do internships in various fields. Generally, क्योंकि यहाँ पे BMS and BFI वाले courses होते हैं तो tech की इतनी internships नहीं आती हैं. But then in the end, for placement, you have fields like business analyst, strategist, and if you want to sit in consulting companies also, for consulting roles, you can sit there as well. सारी companies में allow करते हैं BSc वालों को, except one or two. But then it's up to you, you are building your resume on that line or not. ओके सो बी स्कूल है तो यहाँ पे इतनी टेक अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, बट यू कैन लाइक सर्टेनली टेक अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम आउटसाइड, लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं इफ यू कैन गो फॉर दैट। ऑल्सो आप बाहर से लाइक लिंक्डइन रीच आउट से आप टेक इंटर्नशिप्स लो, आप अपनी स्किल्स बिल्ड करो, लाइक इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर इन वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं, यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अपनी आप स्किल्स स्टार्टिंग से ही बिल्ड करने लगो। फॉर बीटेक इट्स लाइक कि ये वो दो साल तक पढ़ते हैं, देन थर्ड ईयर से उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है एंड फोर्थ ईयर प्लेसमेंट। यहाँ से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, दैट्स अ लिटिल हेक्टिक कि आपको स्किल्स भी साथ में सीखनी है एंड यू हैव टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल, क्योंकि सेकंड ईयर एंड होते होते थर्ड ईयर में फेज वन में यू कंपनी स्टार्ट टू कम एंड फिर आपको प्लेसमेंट्स देखनी पड़ेंगी। बट BSc जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि टर्मिनल डिग्री नहीं है, द पर्सन दैट कम हियर दे ऑफ फॉर हायर स्टडीज, आदर दे विल डू MBA और MCA और MSc इन एनी फील्ड, सो सब प्लेसमेंट्स के लिए नहीं जाते हैं। और जिसको जाना होता है दे हैव टू लाइक प्रिपेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर यू विल गेट कंपनीज इफ यू वॉन्ट टू गो इन कंसल्टिंग फील्ड, आपको सारी फील्ड में आप ओपन हो। अगर आप CSO इट्स नॉट लाइक दैट यू टू गो इन टेक कंपनी ओनली, आप कंसल्टिंग एक्सप्लोर कर लो, मार्केटिंग, फाइनेंस, एनीथिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू यू गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनी, दैट्स इट। राइट, जैसे हमारा एक काफ़ी नैरो व्यू पॉइंट होता है कि अगर 11 12th में साइंस लिए तो उसके बाद इंजीनियरिंग ही करनी है, तो उसके बाद किसी टेक कंपनी में कोडिंग ही करनी है। बट आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बाद MBA करके कंसल्टिंग में पिवट कर जाते हैं, कितने ही हमने यूट्यूब एग्जाम्पल्स देखे हैं, बड़े बड़े चैनल्स काफ़ी हैं ऐसे जो इंजीनियरिंग करने के बाद कोर इंजीनियरिंग जॉब्स में नहीं गए हैं। तो काफ़ी IIMs में ये रहता है कि इंजीनियर्स को एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स को, तो IIMs में भी मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वो पिवट कर जाते हैं सारे कंसल्टिंग में। फाइनेंस में भी हमने काफ़ी देखा है कि जो ये टेक बैकग्राउंड से होते हैं इनको काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है, जो इट्स नॉट लाइक कि आप एक नैरो व्यू पॉइंट बना के चलो, सोचो कि आपको आगे क्या करना है। इफ़ यू आर हेल बेंट ऑन डूइंग टेक एंड गोइंग इनटू दैट फील्ड देन आई वुड से कंसिडर योर डिसीजन, बट इफ़ यू आर ओपन टू फील्ड्स कि हो सकता है कि हम वहाँ एनालिस्ट की पोजिशन पर चले जाएँ या हम किसी और स्टार्टअप कल्चर में चले जाएँ या हम कंसल्टिंग में चले जाएँ, फाइनेंस में चले जाएँ, तो यू हैव एम्पल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेयर। जो लोगों को MBA के बाद मिलती है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद कैट दे के MBA के बाद जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो हो सकता है कि आप अंडरग्रेड लेवल पे ही समझ जाओ कि ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड आई थिंक मेरे लिए कंसल्टिंग अच्छी है, या मेरे को और का बिजनेस रन करने में मज़ा आता है तो आई कैन गो इन टू कॉर्पोरेट, या बनाने में मज़ा आता है तो आई कैन हैव माई ओन स्टार्टअप हेयर। तो ये चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ आपका पीयर ग्रुप इतना अच्छा है कि आप जो भी चीज़ करोगे उसमें आप कंपेटिटिव फील करोगे एंड थ्राइव कर जाओगे अगर आपने उसको सर्वाइव कर लिया तो। और कंप्लेसेंसी तो नहीं है आई गेस वैभव, यहाँ सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर कैंपस पे इंटर्नशिप नहीं आ रही तो सब बाहर ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि BMS BBFIA वालों को सारा कुछ प्लेट पे डाल के दिया जाता है, हमें भी ऑफ कैंपस देखनी पड़ती है इंटर्नशिप्स, क्योंकि गुड कंपनीज रिक्रूट अ वेरी सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल, तो सबको ही इंटर्नशिप करनी होती है, तो पीपल आर जनरली लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स इन मैनेजमेंट कोर्सेज एज वेल, तो वही चीज़ BTech वालों के लिए भी होती है। वैभव, लास्ट थिंग यू वॉन्ट टू से टू अ स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग टू कम टू सुखदेव फॉर BSc? See, for anyone of you who want to come to this college, you'll get a great start to your career.
लगता है कभी कभी कि बी स्कूल में कंप्यूटर साइंस परस्यू करने जा रहे हैं, रिकॉग्निशन उतनी नहीं मिलेगी, होता है, बट यू हैव गुड फैकल्टी है, गुड इंफ्रा एंड ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट यू विल नीड वाइल बिल्डिंग योर प्रोफाइल. सो दिस हैपेंस एंड ऑल्सो यू हैव वेरी सपोर्टिव सीनियर्स, लाइक दे आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड्स. आप अपने सीनियर्स को भी रीच आउट कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक कुछ वेब डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे, सम विल बी डूइंग इन बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर एंड अदर इंटर्नशिप्स एज वेल. सो आप अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डू अदर थिंग्स, लाइक इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, यू कैन कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल्स, लाइक BMS एंड BFI फ्रेंड्स के साथ बात करिए, कनेक्शन बनाइए. ऑल्सो स्टार्टिंग से ही जब रिक्रूटमेंट होता है सोसाइटीज़ का, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उसमें, क्योंकि सोसाइटीज़ ज्वाइन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ऑल्सो आपको बहुत सारी स्किल सीखने को मिलती हैं जो आपके करियर में, ऑल्सो इन योर PI राउंड्स ऑफ प्लेसमेंट्स आपको हेल्प करेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट हेयर. हेयर यू हैव अराउंड 45 सोसाइटीज़. चूज सोसाइटीज़ दैट यू वॉन्ट टू गो इन, वर्क हार्ड फॉर देम एंड एक बार रिक्रूट हो जाओ, फिर उसके बाद यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स. और सोसाइटीज में भी नैरो पर्सपेक्टिव मत रखना कि जैसे ही इज द कोऑर्डिनेटर फॉर द टेक सोसाइटी जो क्रोनोस है. हमारे कॉलेज में तो ये नहीं कि मैं BSc से हूँ तो मेरे लिए तो सिर्फ क्रोनोस है, फाइनेंस की सोसाइटी में जाके मेरा क्या ही होगा, मुझे तो फाइनेंस का F भी नहीं पता. सोसाइटीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको सब पहले से पता हो, वहाँ सोसाइटी में जाके आप सीखते हो. तो ओपन रहना सारे टाइप के सोसाइटीज में, कल्चरल सोसाइटीज हैं, मार्केटिंग सोसाइटी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, वैभव इज ऑल्सो इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेल. तो नैरो पर्सपेक्टिव मत रखना, ऐसे बंद के मत रहना कि हम तो इस बैकग्राउंड से हमें कुछ नहीं पता तो हम जाएंगे ही नहीं उन सोसाइटीज़ में. उन सोसाइटीज़ में जाके ही आप सीखोगे. अगर आपने खुद को पहले ही डीबार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आप फिर आगे भी नहीं सीख पाओगे. तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल में आई गेस BSc से सिर्फ वैभव है अभी हमारे साथ. तो आई वुड एनकरेज कि जो फ्यूचर बैचेस आएंगे BSc के, ट्राई टू मिंगल मोर विद दी मैनेजमेंट की जो डोमेन के स्पेसिफिक सोसाइटीज लगती हैं. आई आल्सो वांट टू से कि स्टार्टिंग में जब सोसाइटीज रिक्रूटमेंट हो रहा था तो इतने सारे BSc पीप्स ने नहीं किया था अप्लाई, एंड आई वाज द वन कि मैंने सारी सोसाइटीज के लिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे को सीखना था. ऑल्सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स कि पता चले कि और क्या होता है, जैसे कि कंसल्टिंग सोसाइटी है 180 DC, तो वहाँ पे क्या होता है. सो आई अप्लाइड इन मेनी ऑफ द सोसाइटीज. देन मेरा स्टार्टअप में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, तो देन आई अप्लाइड फॉर यूवा ऑल्सो द ESL ऑफ दिस कॉलेज एंड आई गॉट इन टू दैट एंड अदर सिक्स सोसाइटीज एज वेल, एंड वहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला है. देन फ्रॉम द सेकंड ईयर यू कैन लाइक शॉर्ट लिस्ट की किस सोसाइटी में रहना है. फर्स्ट ईयर इज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, सीखो आराम से, एंड देन सेकंड ईयर से डिसाइड करो कि किस फील्ड में जाना है एंड then start building your resume and your career and profile for that. Right. So this was it for this video and I hope काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी जो पहले नहीं पता थी BSc के बारे में. काफ़ी नए insights मिले होंगे. Thank you so much वैभव. I guess बच्चे भी ऐसा ही feel कर रहे होंगे अभी कि thank you किसी ने हमें कुछ बताया BSc के बारे में भी. और this was it. और भी कोई doubt हो तो you can write in the comment section and I'll see you guys in the next video. Till then, bye. Anyways, bye. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. If it-